हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अशोक कुमार साहू, करियर कोच। आपका स्वागत करता हूं आज का एक नया वीडियो में। आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल, और आज हम बात करने वाले हैं कुवैत को लेकर के। अगर आप इंडियन हैं, जॉब सीकर हैं, जॉब ढूंढ रहे हो, तो इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहें दोस्तों, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप प्लान कर रहे हैं कुवैत जाने का, तो कुवैत में जाने से सैलरी कितना मिलता है, क्या क्या जॉब मिल सकता है और क्या क्या प्रोसेस है। जाहिर सी बात है, अगर आप अपने देश से यानी इंडिया से जब कुवैत जाते हैं तो आपको डेफिनेटली प्रोसेस जाना जरूरी है। बिना प्रोसेस जाने अगर आप प्रोसेस करते हैं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं आप ठगा जाते हैं किसी से भी, ठीक है। तो क्या कुवैत जाने में कोई प्रॉब्लम आती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ता है, क्या प्रोसेस है, तमाम चीजों के बारे में दोस्तों आज हम विस्तार से बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो आगे तक बने रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे, टॉपिक अच्छा लगे, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। अगर आप पहले बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो आपके करियर के लिए, आपके एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है। शुरू करते हैं दोस्तों। कुवैत एक ऐसा देश है जहां का करेंसी सबसे हाई होता है एक्सचेंज प्राइस, ठीक है, कुवैती दिनार। अगर आप कुवैती दिनार में अर्न करते हैं, कहीं ना कहीं आपका माइंड में एक पॉजिटिव एनर्जी आता है कि भाई मैं कुवैती दिनार में सैलरी कमा रहा हूं, है कि नहीं है। लेकिन उसके पहले आपको पूरा प्रोसेस करना है जाने के लिए। जब ही जाएंगे तभी तो आप पैसा कमा सकते हैं ना कुवैती दिनार में, ठीक है। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों कि क्या क्या जॉब में आप जा सकते हैं। तो वैसे तो कुवैत में आप कोई भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते जो वैकेंसीज हैं उसका मुताबिक आपका जो, जैसे कि आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस जो है वो मैचिंग होना चाहिए, तभी जाके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार आपका जॉब अप्लाई कर चुके हैं आप, उसके बाद दोस्तों सबसे पहले आपका इंटरव्यू होता है। एक बात यहां पर ध्यान रखिएगा, बिना इंटरव्यूज का कभी कोई जॉब नहीं मिलता दोस्तों। अगर आपको कोई बोले कि भाई सिविल सिलेक्शन है, तो बिल्कुल भी यकीन मत करना, ठीक है। सिविल सिलेक्शन ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपका बिना इंटरव्यू का आपको कोई जॉब कैसे दे देगा, सही है कि नहीं है, ठीक है। तो कभी अगर आपको कोई बोलता है कि भाई ये सिविल सिलेक्शन, तो बिल्कुल यकीन मत कीजिएगा। दूसरी बात, आप किसी भी एजेंट से कुवैत का अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता वीजा को लेकर के, ठीक है। कैसे बेवकूफ नहीं बना सकता, मैं आगे बताने वाला हूं, समझ गया ना। तो अभी क्या है, अभी आपने अप्लाई किया, इंटरव्यूज हो जाएगा, चाहे वो वीडियो कॉल में हो, ऑडियो कॉल में हो, ठीक है। वहीं पर आपको सारे क्वेश्चंस पूछना है, जॉब क्या है, फैसिलिटीज क्या है, सैलरी कितना है, ज्वाइनिंग कब है, कितने घंटे काम है, और जो फैसिलिटीज है, रहने खाने का क्या है, मतलब कंपनी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, सारे चीजें क्लियर कर लेना है दोस्तों आपका इंटरव्यूज में। तब आपका ऑपरेटर आ जाता है सिलेक्शन होने के बाद। तो जैसे ऑपरेटर आता है, आपको मैचिंग करना है कि भाई जो जो आपने पूछा था क्वेश्चंस आपका इंटरव्यू के दौरान, क्या वो सब चीजों से मेंशन है कि नहीं है, जैसे आपका सैलरी, ड्यूटी आवर्स, ठीक है, आपका जो फैसिलिटीज, इंश्योरेंस, मेडिकल, जो भी है, सब कुछ जैसे आप बात किए थे वैसा है या नहीं है, उसके बाद ही आपको साइन करना चाहिए। जैसे आप साइन करके भेज देते हैं, फिर दोस्तों कंपनी आपके नाम पे वीजा अप्लाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब यहां पर आपका इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू होने के बाद कंपनी आपको ऑफर लेटर भेजती है, ऑफर लेटर बारीकी से चेक करना है आपको। जैसे आपने चेक कर लिया, उसके बाद साइन करके वापस भेज देना है। अब क्या करना है आपको, पीसीसी अप्लाई करना है दोस्तों। पीसीसी अप्लाई करने के लिए आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र का जो वेबसाइट है उसमें जाके ऑनलाइन अप्लाई करना है, ठीक है। ये करीब करीब 10 से 15 का समय लगता है अप्लाई करने के लिए, बहुत आसान है। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, पूछिए, मैं कोशिश करूंगा एक नया वीडियो लेके आने के लिए कि भाई पीसीसी अप्लाई कैसे किया जाता है, ताकि आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। अब जैसे पीसीसी अप्लाई हो गया, अब छोड़ दीजिए, क्योंकि इधर पीसीसी आने में आपको 8 से 10 दिन का समय लग जाता है। अब आपको वेट करना है दोस्तों आपका वीजा के लिए। जी हाँ, वीजा जो है वो ओरिजिनल कुवैत से बाय कुरियर आपके पास आने वाला है, ठीक है। वो 5-6 दिन का समय लगता है, 10 दिन का समय लगता है वीजा अप्रूव होने में, फिर कुरियर आने में कम से कम 8 दिन लगता है दोस्तों। तो मान लीजिए 15-20 दिन आपका समय लग जाता है आपका वीजा आने में, तब तक आपका पीसीसी भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जैसे पीसीसी आपके पास आ जाता है, फिर उसको आप अच्छे से रख लीजिए, ठीक है। अब आपका आ जाएगा वर्क परमिट। वर्क परमिट पीसीसी को लेके जाना है आपके को मेडिकल के लिए दोस्तों। यहां पर आपको करना है गमका मेडिकल, ठीक है। अगर वो गमका मेडिकल क्या है पता नहीं है, तो भी गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, फिर आप मेरा वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने पहले वीडियो बना दिया है गमका मेडिकल होता है क्या है, ठीक है। बात करें सेंटर की, तो आप जिस शहर से बिलोंग करते हैं, जिस शहर से आप हैं, वहां के नजदीक में देख लीजिए, क्योंकि बता दूं मैं, बॉम्बे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, ठीक है, हैदराबाद, बेंगलोर,
ओके, ऐसे बड़े बड़े शहर में ही गमका का जो सेंटर है अवेलेबल है, तो बेहतर ये रहेगा कि आपको एक बार गूगल में चेक कर लेना है कि आपका नियरेस्ट सिटी में कहां पर गमका सेंटर है। ठीक है, जैसे आपका ये सारे काम हो गया, फिर आपको जाके मेडिकल कर लेना है। मेडिकल करने के बाद दोस्तों फिर से ये जो रिपोर्ट है, ठीक है, ये सारे चीज आपको लेके जाना पड़ेगा कहां, वीजा स्टैंपिंग के लिए। जी हाँ, इसका वीजा स्टैंपिंग मुंबई में होता है दोस्तों, ओके, दिल्ली भी होता है आजकल, तो जो कुवैत का एम्बेसी है वहां आपको ये सब भेजना होता है। वहां भेजने के बाद आपका जो वीजा है वो स्टैंपिंग हो जाएगा, आपका पासपोर्ट के अंदर चिपक के आएगा। जैसे अमेरिका का वीजा होता है ना, सऊदी का वीजा होता है ना, सिमिलरली कुवैत का वीजा भी होता है। तो ये है टोटल प्रोसेस दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कोई भी एजेंसी या कोई भी एजेंट आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। ये बात अलग है कि आजकल वीजा स्टिकर भी लोग डुप्लीकेट बना दे रहे हैं। मैंने परसों देखा था, कोई पंजाब के कंसल्टेंसी वाले ने पोलैंड का 5 वीजा का स्टिकर बना रखा है। ठीक है, क्योंकि मुझे पता चला कब, जब मुझे कोई लड़का ने कहा कि सर मेरा वीजा चेक कर दीजिए, तो मैंने चेक किया था और देखा था कि भाई वो स्टिकर जो है डुप्लीकेट, जो आम आदमी को पता नहीं चलता कि कैसा डुप्लीकेट बनता है। ठीक है, तो लोग ऐसे भी कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा सतर्क रहें। ठीक है, बाकी मैं कहूंगा कि अगर आपका प्रोसेस सही हो रहा है, जो मैंने प्रोसेस बताया, अगर वैसे ही कंटिन्यूसली हो रहा है आपका प्रोसेस, तो बेशक आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस कुवैत का वीजा को लेकर के। बात करें सैलरी का, तो सैलरी यहाँ पर लगभग 130-140 केडी रहता है कुवैती दिनार। वैसे भी आपका डिपेंड करता है आपका प्रोसेस के ऊपर, आपका प्रोफाइल के ऊपर। ठीक है, मैंने जो कहा सैलरी वो फ्रेशर्स के लिए है, यानी जो जिसका 1-1.5 साल का करीब एक्सपीरियंस है उनके लिए है। अगर आपके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है तो आप अपना सैलरी निगोशिएट कर सकते हैं अपना जो भी इंटरव्यूअर के साथ। ठीक है, आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव रहा होगा आपके लिए। अगर आपके मन में कोई दुविधा था होगा कुवैत का वीजा को लेकर के, तो शायद वो निकल गया होगा और आपको क्लासिफिकेशन मिल गया होगा। फिर भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है, तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरा इंस्टाग्राम पेज पे और मुझे डीएम करें। मैं कोशिश करूंगा आपका हर सवाल का जवाब जल्द से जल्द देने का, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह का एक नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।